हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइज सेपरेशन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं साइज सेपरेशन के, और स्पेशली हम बात करेंगे ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर के बारे में। मेरा नाम है मैन, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइज सेपरेशन के बारे में। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया वो था साइज रिडक्शन। उसमें हम लोगों ने देखा कि जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो हमें पॉली डिस्पर्स पाउडर प्राप्त होते हैं, मीन्स ऐसे पाउडर जो कि वो जिनका पार्टिकल साइज वाइड रेंज में होता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम साइज सेपरेशन टेक्निक को यूज करते हैं। इस टेक्निक को यूज करके हम जो है नैरो रेंज का पार्टिकल साइज प्राप्त करते हैं, वो जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइज सेपरेशन की डेफिनेशन के बारे में। तो जो साइज सेपरेशन इज ए यूनिट ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स जो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल्स इनटू टू और मोर पोर्शन बाय मींस ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस। तो ये एक प्रकार का यूनिट ऑपरेशन है जो कि इन्वॉल्व होता है जो हमारे पार्टिकल जो है वेरियस साइज के हैं उनको टू या थ्री पोर्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग सरफेस। तो जो हमारे पार्टिकल साइज रिडक्शन के बाद आए थे, पॉली डिस्पर्स थे, उनको वो अप्रॉक्सीमेटली दो या दो से अधिक पोर्शंस में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि हर पोर्शन का जो पार्टिकल साइज रेंज है वो जो है नैरो हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये जो साइज सेपरेशन की टेक्निक है इसके चार नाम और है। इसको हम सीविंग भी बोलते हैं, सिफ्टिंग भी कहते हैं, क्लासीफाइंग भी कहते हैं, और स्क्रीनिंग भी हम इसको कहते हैं। हम जब स्क्रीनिंग सरफेस को यूज करके साइज सेपरेशन करते हैं तो क्या होता है, इन स्क्रीनिंग और सीविंग जो मटेरियल हमारा स्क्रीन के ऊपर रह जाता है, मतलब जो हमारी छन्नी है उसके जो ऊपर रह जाता है उसको हम ओवरसाइज सब्सटेंस बोलते हैं या प्लस मटेरियल कहते हैं, और जो सब्सटेंस हमारी सीव के थ्रू पास हो जाता है उसको हम माइनस मटेरियल बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स आर यूज ऑफ साइज सेपरेशन। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, ये एक मेथड है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो हमारी टैबलेट या कैप्सूल मैन्युफैक्चर हो रही है उसमें सब्सटेंस का पार्टिकल साइज क्या है या उसका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसको हम इस टेक्निक से डिटरमाइन कर लेते हैं। ये एक क्वालिटी कंट्रोल टूल की तरह भी यूज होता है अगर हमें एनालिसिस करनी होती है रॉ मटेरियल की, जो हमारे रॉ मटेरियल है उनकी एनालिसिस में ये क्वालिटी कंट्रोल टूल की तरह भी काम करता है। वो जैसे कि अगर हमें क्वालिटी चेक करनी हो ग्रिशियोफेल्विन की या एस्प्रिन की तो भी हम इसको यूज करते हैं, साइज सेपरेशन की टेक्निक को यूज करते हैं। जो इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है, टू टेस्ट द इफिशियंसी ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट और साइज रिडक्शन प्रोसेस। ये साइज रिडक्शन इक्विपमेंट की इफिशियंसी और साइज रिडक्शन प्रोसेस की इफिशियंसी को कैलकुलेट करने के लिए, टेस्ट करने के लिए भी हम साइज सेपरेशन को यूज करते हैं। और इसका जो अंतिम एडवांटेज है या ऑब्जेक्टिव है ये क्या है, ये टू ऑप्टिमाइज प्रोसेस कंडीशन। ये प्रोसेस कंडीशन को ऑप्टिमाइज अपने हिसाब से कंट्रोल करने के लिए भी यूज होता है। जैसे कि अगर एजिटेशन है या टाइम ऑफ स्क्रीनिंग है या फीड स्टॉक का क्या रेट है उसको भी कैलकुलेट करने के लिए, उसको भी ऑप्टिमाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, ऑफिशियल स्टैंडर्ड्स फॉर पाउडर। तो जो हमारी इंडियन फार्माकोपिया है उसने हर साइज रेंज को एक अलग नाम दिया है, उसके हिसाब से हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रेड के पाउडर्स होते हैं और उनका स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, उसको हम आपस में कोरिलेट कैसे करते हैं। तो ये जो हमारी टेबल है इसके थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। पार्टिकल है वो है कोर्स पाउडर। तो इसमें क्या है कि अगर कोर्स पाउडर वो पाउडर होते हैं जो कि 10 नंबर की सीव के थ्रू पूरे पास हो जाए, बट 44 नंबर की सीव के थ्रू उसका 40% से ज्यादा पार्ट पास नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 40% पार्टिकल्स पास थ्रू द 44 नंबर सीव। तो अगर ये टेबल आप लोगों ने कंप्लीटली याद कर लिया है तो आप आसानी से पार्टिकल साइज को
लिख सकते हैं। वो जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोर्स पाउडर की, तो कोर्स पाउडर की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आप इस चीज को याद कर लीजिए, 10 and 44। हाँ, तो कोर्स पाउडर की जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, ए पाउडर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू ए 10 नंबर सीव, उसका जो नॉमिनल मेस अपर्चर है 1.7 mm है एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू ए 44 नंबर सीव्स, और 44 नंबर सीव्स का जो नॉमिनल अपर्चर है वो 355 माइक्रोमीटर है, इज कॉल्ड कोर्स पाउडर। मीन्स वो पाउडर जो कि 10 नंबर की सीव से पूरा पास हो जाए बट 44 नंबर सीव से 40% से ज्यादा पास ना हो, उसको हम कोर्स पाउडर कहते हैं। इसी तरह से हम और भी डेफिनेशंस अपनी, वो जितने भी पाउडर है सबकी डेफिनेशंस लिख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि मॉडरेटली कोर्स पाउडर क्या होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं ए पाउडर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू ए 22 नंबर सीव एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू ए सीव ऑफ 60 नंबर, इज कॉल्ड मॉडरेटली कोर्स पाउडर। मीन्स मॉडरेटली कोर्स पाउडर वो होता है जो कि 22 नंबर की सीव से पूरा पास हो जाए और 60 नंबर की सीव से उसका 40% से ज्यादा पार्ट पास न हो, उसको हम मॉडरेटली कोर्स पाउडर कहते हैं। इसी तरह से हम देख लेते हैं कि मॉडरेटली फाइन पाउडर क्या होता है। मॉडरेटली फाइन पाउडर वो पाउडर है, ए पाउडर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू ए सीव नंबर 44 एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू ए सीव नंबर 85, इज कॉल्ड मॉडरेटली फाइन पाउडर। मीन्स वो पाउडर जो 44 नंबर सीव से पूरा पास हो जाए बट 85 नंबर सीव से उसका 40% से ज्यादा पास ना हो, उसको हम मॉडरेटली फाइन पाउडर कहते हैं। अब इसी में हम देख लेते हैं फाइन पाउडर क्या है। तो इससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि जो फाइन पाउडर है या वेरी फाइन पाउडर है, इसमें अपर लिमिट तो दी गई है बट लोअर लिमिट ऑफिशियली नहीं दी गई है। तो इसमें जो पोर्शन रेड से लिखा है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ए पाउडर ऑल द पार्टिकल ऑफ विच पास थ्रू ए सीव नंबर 85, वो पाउडर जिसके सारे पार्टिकल 85 नंबर की सीव से पास हो जाए उनको हम फाइन पाउडर बोलते हैं। इसके आगे आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू ए सीव नंबर 120, इज कॉल्ड फाइन पाउडर। मीन्स वो पाउडर जो 85 नंबर से पूरी तरह से पास हो जाए उसको हम फाइन पाउडर बोलते हैं, या हम कह सकते हैं वो पाउडर जो 85 नंबर से पूरी तरह पास हो जाए बट 120 नंबर सीव से उसका 40% से ज्यादा पास ना हो, उसको हम फाइन पाउडर बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं वेरी फाइन पाउडर के बारे में। तो जो ये इसमें भी सेम कंडीशन है, ए पाउडर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ विच पास थ्रू ए सीव नंबर 120, वो पार्टिकल जो 120 नंबर सीव से पूरी तरह से पास हो जाए उनको हम वेरी फाइन पाउडर बोलते हैं। इसमें आप ऐड कर सकते हैं एंड नॉट मोर देन 40% थ्रू ए सीव नंबर 325। मीन्स वो पाउडर जो 120 नंबर की सीव से पूरी तरह पास हो जाए और 325 नंबर की सीव से उसका 40% से ज्यादा ना पास हो, उसको हम वेरी फाइन पाउडर बोलते हैं। तो जो चीजें लाल में लिखी हैं उसको आप एग्जाम में स्किप भी कर देंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। हाँ, तो जो हमारा छठा ग्रेड का पाउडर है वो क्या है, माइक्रो फाइन पाउडर। ये क्या है, ए पाउडर ऑफ विच नॉट लेस देन 90% बाई वेट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू ए सीव नंबर 325, इज कॉल्ड माइक्रो फाइन पार्टिकल। मीन्स वो पाउडर जिसका कि 90% नॉट लेस देन 90%, मतलब 90% से कम नहीं, पार्टिकल्स बाय वेट अगर 325 नंबर सीव से पास हो जा रहे हैं तो उनको हम माइक्रो फाइन पाउडर कहते हैं। मींस अगर हमारे पास 100 ग्राम पाउडर है और उसको हम 325 नंबर की सीव से पास करते हैं और उसमें से 100 में से 90 से ज्यादा ग्राम पाउडर जो है पास हो जाता है तो हम उस पाउडर को माइक्रो फाइन पाउडर बोलेंगे। ऐसे ही हम देख लेते हैं जो है सुपर फाइन पाउडर के बारे में। तो ये जो हमारा सुपर फाइन पाउडर है वो क्या है, ए पाउडर ऑफ विच नॉट लेस देन 90% बाई नंबर ऑफ द पार्टिकल आर लेस देन 10 माइक्रोमीटर इन साइज। मीन्स वो पाउडर जिसका कि 90% से
ज्यादा या आप कह सकते हैं कि 90% से कम नहीं, पार्टिकल जो है वो 10 माइक्रोमीटर के से कम साइज का, मींस जो हमारा पाउडर है उसमें से, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा नंबर्स, मींस इसमें हम पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से काउंट करके और फिर इसकी एनालिसिस करते हैं। तो अगर कोई पाउडर ऐसा है जिसका कि 90% से जो है ज्यादा पार्टिकल 10 माइक्रोमीटर से कम है तो उनको हम सुपर फाइन पाउडर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।